समुद्र और शिव महापुराण दोनों बहुत गहरे हैं, बस अंतर इतना है जो समुद्र में डूबता है वो मर जाता है और जो शिव महापुराण में डूबता है वो तर जाता है। जो एक बार डूबा, जो शंकर के संवाद में, शंकर की कथा में जो डूबता है वो तर रहा, आनंद का कितना कृपा का सागर है वो, कितना दयालु। एक चोर चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में आया, शिवरात्रि का दिन था, एक छोटा सा दिया था, उस दिए में उसको चोरी का सामान नहीं मिल रहा था, चोरी का सामान नहीं। उसने अपने तन के जो कंधे पर पिछोड़ा रहता है उसको उठाया, त्रिशूल में लपेटा, दिए से आग लगाकर चारों तरफ घुमा घुमा कर देख रहा था कि चोरी का सामान कहाँ है। चोरी का सामान ढूंढता ढूंढता मंदिर में उजाला हो गया, शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु मैं तो चोर हूँ, चोरी का सामान लेने आया था, चोरने के लिए आया था। भगवान शंकर ने कहा आज शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, जा मैं तुझे वर प्रदान करता हूँ कि तू कुबेर के सिंहासन पर बैठेगा। कुबेर की कुर्सी से कुबेर को नीचे उतार दिया और उस चोर को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर की तुम दिवाली पे पूजन करते हो वो चोट्टा है, कितना बड़ा उदार, कितना कृपा का सागर। बहुत भोला ऐसा, एकदम सीधा साधा, एक लोटा पानी ले जाओ, चढ़ा के आ जाओ, तीन बार ताली बजा दो, बम बम बोल दो, आज